जी यही वो मंदिर है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को चराने के लिए आते थे। यही वो मंदिर है जहाँ पर आपका भगवान शंकर ने ना कामदेव को अपने त्रिशूल से भस्म किया था, और ये त्रिशूल आज भी यहाँ पे इस तरीके से है। वो त्रिशूल को भैया एक उंगली से वो त्रिशूल कंपन करता है, लेकिन पूरे हाथ से भी वो त्रिशूल हिल नहीं पाता है। उत्तराखंड की यात्रा में हम पहुँच गए भैया गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में। गोपीनाथ भगवान की मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? शानदार, बढ़िया और जबरदस्त। भाई साहब आज ना मैं गोपेश्वर में जहाँ हूँ ना भाई, ठंडे से ऐसी हालत हो रही है ना मेरी कि मत ही पूछो यार। मैं ना कल आपका तुंगनाथ से गोपेश्वर आ गया था, वहीं PWD के गेस्ट हाउस में। सुबह सुबह के नज़ारे कुछ ऐसे हैं यार, पता है आपको, आज मौसम ना पूरा बारिश का बना हुआ है। थैंक गॉड कि मैंने कल की डेट में आपका तुंगनाथ कंप्लीट कर लिया। अगर आज मैं तुंगनाथ साइड होता ना तो सच में इतना खतरनाक वाला स्नोफॉल होने वाला है आज तुंगनाथ में। क्योंकि देखो तुंगनाथ साइड को मौसम दिख रहा बादल, और अगर यहाँ ना मौसम बन जाए ना एक बार भाई, तो फिर यहाँ ना भाई सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ पड़ती है। और कल आपने 2 से 3 दिन पहले आपका तुंगनाथ के रास्ते में इतनी खतरनाक स्नोफॉल हुआ था कि आपका चंद्रशिला वाला ट्रैक भी बंद कर दिया था, जिसकी वजह से आपने देखा होगा रास्ते में हमारी गाड़ियाँ कितनी फिसली है। और आज जब स्नोफॉल होगा ना, उसके बाद क्या हाल होने वाला है तुंगनाथ वाला रास्ता का। तो अगर आप तुंगनाथ की तरफ आ रहे हो ना भाई, बर्फ़ की खबर लेते हुए आना, कि बारिश का आज बन गया मौसम। अगले 2 से 3 दिन तक लगातार यहाँ बारिश बताई जा रही है और मौसम भी ख़राब हो रहा है। इसलिए भाई मैं आज ना फटाफट से इस गोपेश्वर को छोड़कर निकल रहा हूँ आज यहाँ से जोशीमठ की तरफ। अगर मौसम सही रहेगा तो ही जोशीमठ जाऊंगा, अगर मौसम खराब रहा ना तो जोशीमठ जाना मेरे लिए और ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। क्योंकि भाई जोशीमठ में वैसी ज़मीन खिसक रही है, और बारिश के बाद में अगर गया ना क्या पता कहाँ लैंडस्लाइड हो जाए, कोई पता नहीं है। निकलते अपनी बाइक को कोल्ड स्टार्ट करते हैं और भाई फटाफट से ना निकलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बोल रहे हैं अगर आप टाइम पे नहीं निकले तो बारिश शुरू हो जाएगी, और एक बार बारिश शुरू हो गई फिर आप निकल नहीं पाओगे। मुझे ना परसों किसी अपनी बाइक और गाड़ियों को लेके निकलते हैं यहाँ से। थैंक यू सो मच, आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे लोग हैं जिनकी वजह से भाई हम लोग यहाँ पे इतने प्यार से रहे। और आपके रोहित पहाड़ी, यहाँ से निकलते हैं, पहले गोपीनाथ मंदिर के दर्शन करते हुए पीपल कोट पहुँचते हैं। या फाइनली अपने गेस्ट हाउस से हम लोग निकल गए बाहर की तरफ, और यह है गोपेश्वर का बाजार का रोड। और पहले हम जाएंगे भैया अपने भगवान भोलेनाथ के दरबार में, जहाँ पे उन्होंने कामदेव को भस्म किया था। ताड़कासुर को मारने के लिए कामदेव ने भोलेनाथ का जो तपस्या है उसको भंग किया था, और आज भी ना वो त्रिशूल और बहुत सारी चीज़ें इस गोपीनाथ मंदिर में हैं। तो एक काम करते हैं, महादेव का नाम लेते हैं और करते हैं अपने सफ़र की शुरुआत। हर हर महादेव। फाइनली हम लोग आपका गोपीनाथ मंदिर पहुंच गए, और मेरे बिल्कुल ठीक सामने है आपका गोपीनाथ मंदिर। भैया जी हम लोग आपका पहुंच गए गोपीनाथ मंदिर, और गोपीनाथ मंदिर पहुंचने के बाद ना सबसे पहले हमको मिल गए पंडित जी बाहर, वो भी बिल्कुल खतरनाक रौलांदाज में। प्रणाम पंडित जी, नमस्कारम। तो आपने ऐसा बहुत कम देखा होगा कि मेरे को यहाँ पे जैसे ही मंदिर में आया तो मुझे मेरे गोपेश्वर का ही हमारे साथ का एक भाई मिला, अपना भाई। भाई का चैनल नाम क्या है? हेलो रोहित भैया के जितने भी ऑडियंस है, मेरा नाम है अमित अश्नेगी और मेरे चैनल का नाम भी अमित अश्नेगी है। तो भैया गोपेश्वर आए थे और मैंने कहा भैया यहाँ के मैं मिला नहीं ना इस बार, तो भाई बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। भाई अभी इनसे आपको और इंट्रोड्यूस कराऊंगा, इधर देखो भाई इधर क्या चल रहा है। अरे बेटा ये क्या चीज है? ये डोली है। ये कौन सी डोली है? माता की डोली है। माता की डोली है। तो अभी इसे कहाँ लेके जा रहे हो? अभी हम अपने स्कूल से लेके जा रहे हैं। कौन सा स्कूल का नाम क्या है? गोपीनाथ चिल्ड्रन एकेडमी गोपेश्वर। गोपीनाथ चिल्ड्रन एकेडमी गोपेश्वर, क्या बात है, इतने प्यारे प्यारे बच्चे। तो मतलब अच्छा ये खाली झांकी है ना? तो कैसे हो सारे लोग? बढ़िया, सब लोग बढ़िया हो? चलो सब लोग आ जाओ, एक बार आ जाओ। जय गोपीनाथ भगवान की, जय गोपीनाथ भगवान की, हर हर महादेव। गोपीनाथ मंदिर पहुंचने के पहले ही ना मंदिर के अंदर भी नहीं गए, और ये खूबसूरत सी झांकी हमको पहले ही देखने को मिल गई। तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। मंदिर के ना अंदर भी नहीं पहुंचे, और मंदिर के बाहर से ही ना माहौल इतना ज्यादा पवित्र और इतना ज्यादा भव्य हो चुका है। तो एक काम करते हैं, चलते हैं सीधे गोपीनाथ मंदिर के अंदर की तरफ, और आपको कराते हैं मंदिर के अंदर से भव्य दर्शन। तो भैया जी देखो कुछ ऐसा इंट्रेंस है आपका गोपीनाथ मंदिर का, और हमने अपने जूते वूते ना सब पहले खोल दिए थे। पहाड़ी ब्लॉगर भाई काला ढूंगी से। अरे भाई तुम क्या जानते हो? कहाँ से पहुँचे?
चलिए कोई बात नहीं, चल तो दर्शन करते हैं क्या भोलेनाथ के मंदिर में। तो भैया चलो चलते हैं गोपीनाथ मंदिर के अंदर। और ये सामने आपको ना जो मंदिर का मेन एंट्रेंस है ये है आपका गोपीनाथ मंदिर। और गोपीनाथ मंदिर का जो पूरी कहानी है ना वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, बस एक बार मैं पहले दर्शन करके अंदर जाके आ जाता हूँ, क्योंकि मंदिर के अंदर कैमरा लेकर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं, जैसा कि हमारी पूरी देवभूमि क्या पूरे भारत के हर मंदिर में है। तो भैया जी मंदिर के अंदर से ना भोलेनाथ के दर्शन करके आने के बाद ना आपके रोहित पहाड़ी आ चुके हैं बाहर। और यहाँ पे ना आपका के बारे में पहले को बताता हूँ, ऐसा है आपका भगवान शिव का जो पावन धाम है जो पंच केदार में रुद्रनाथ है ना, वो उसका डोला आपका गोपीनाथ मंदिर से उठता है और यही है आपका गोपीनाथ मंदिर। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ जो अंदर शिवलिंग में देख के आया हूँ ना वो यहाँ किसी का बनाया हुआ नहीं है, कोई पीतल का नहीं, कोई पत्थर की शिवलिंग, वो जमीन से स्वयं भू शिवलिंग है। और 6 महीने जब आपका रुद्रनाथ के कपाट बंद होते हैं ना तो उस टाइम पर आपका रुद्रनाथ का जो डोला है वो मतलब जो रुद्रनाथ भगवान है वो यहाँ रहते हैं और 6 महीने वो रुद्रनाथ का। तो मैं भैया को बता दूं कि भैया जो बता रहा है कि रुद्रनाथ जी की डोली है हाँ। वो 6 महीने नीचे आती है, तो 6 महीने जो गोपीनाथ जी के मंदिर के पीछे का प्रांगण है ये देख लूंगा। अच्छा ये वाला प्रांगण, तो यहाँ पे रुद्रनाथ जी की डोली रहती है। यहाँ पे भाई बहुत ही पॉपुलर जो होली होती है ना भाई वो इसी प्रांगण में होती है। मैं भैया को अभी रील दिखा रहा था, भैया आपने देखा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भाई ने मुझे रील दिखाई। और अगर उम्मीद करूंगा भोलेनाथ का आशीर्वाद रहेगा ना तो इस बार की होली हम वृंदावन में या फिर यहाँ, दोनों में से एक जगह मनाने वाले हैं, या तो गोपीनाथ या वृंदावन। पक्का इसका नाम गोपीनाथ क्यों है? गोपीनाथ क्यों, भोलेनाथ क्यों? गोपीनाथ इसलिए क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो ये है ये पोर्शन ऐसा कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों के साथ आ रहे करते हैं चारा करने। अच्छा फिर भोलेनाथ का जो धाम है उसका नाम गोपीनाथ क्यों है? तो मुझे भाई साहब ने बताया क्योंकि ये लोकल है यहाँ गोपेश्वर से। फिर का नाम क्यों है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को चराने के लिए यहाँ आया करते थे, इस तरीके से मंदिर का नाम गोपीनाथ पड़ा है। और मंदिर ना एक रात के अंदर निर्माण कराया है आपका कत्यूरी शासकों द्वारा। और मैंने जो भी टीका लगाया ना अपने हाथ से लगाया, पता नहीं टीड़ा लगाया मेड़ा लगाया मुझे नहीं पता है, जैसा भी लगाया बढ़िया है, भोलेनाथ का आशीर्वाद है, लगा ही दिया है। भैया जी आपका ना आपका गोपीनाथ मंदिर में ना एक और चमत्कारिक चीज है, उसके बारे में मैं आपको बताना भूलूंगा नहीं। मंदिर के प्रांगण में भी ना एक कल्प वृक्ष है, वो है बिल्कुल मेरे पीछे ये। और ये कल्प वृक्ष क्यों बोलते हैं? क्योंकि 12 मास ना ये मंदिर हरा भरा रहता है, कोई भी सीजन में ऐसा नहीं आता कि जब मंदिर सूखा हुआ होता है, इसलिए इस मंदिर को ना कल्प वृक्ष के पेड़ को ना बढ़िया तरीके से सारी शिलाओं से ना कवर करके रखा है आपका। तो भैया जी आपका मंदिर प्रांगण में ना एक त्रिशूल भी रखा हुआ है, मैं उस त्रिशूल के बारे में आपको बताता हूँ। जब आपका ताड़कासुर का ना आतंक चल रहा था पूरी पृथ्वी के ऊपर ना, उस समय पे आपका क्या कहते हैं सारे देवों ने मिलके ना कहते हैं भगवान शिव की तपस्या को भंग करना चाहा, लेकिन भगवान शिव अपनी तपस्या में ऐसा लीन थे कि वो भैया मतलब अपनी तपस्या से उठ ही नहीं पा रहे थे। और ताड़कासुर को ये वरदान प्राप्त था कि भैया ताड़कासुर का अगर वध होगा तो वो आपका कहते हैं शिव जी के पुत्र से ही होगा, मतलब कि पार्वती के पुत्र से ही होगा। उसके बाद भैया कामदेव को ये काम सौंपा गया कि भैया आपको शिव जी का ना ध्यान भंग करना है, उनकी तपस्या भंग करनी है। उसके बाद कामदेव ने उसके बाद भगवान शिव ने ना आपका कामदेव को ना इसी त्रिशूल से कामदेव का मतलब वध किया जो, और वो त्रिशूल इस तरीके से यहाँ पे ये आज भी खड़ा है कि इसी त्रिशूल से ना भगवान भोलेनाथ ने ना कामदेव का वध किया था इसी जगह पे, और ये त्रिशूल आज भी यहाँ पे इस तरीके से है। मुझसे और कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि यहाँ पे त्रिशूल जब कीलों की बारिश हुई थी, कीलों की वर्षा हुई थी, उस टाइम पे त्रिशूल आसमान से आया था। इस त्रिशूल की ना कुछ चमत्कारिक शक्तियाँ भी थी। आज से 4 या 5 साल पहले तक ना इस त्रिशूल को ना कोई आदमी अगर अपने दोनों हाथों से या एक हाथ से अगर हिलाता भी था ना तो बिल्कुल भी तिल मात्र भी ये त्रिशूल हिलता नहीं था। और लेकिन अपनी लास्ट यानी जो उंगली है ना इससे इसको टच भी करते थे ना तो ये त्रिशूल कंपन करता था और हिलता था। लेकिन अब तो ना इस त्रिशूल को ना छूने की बिल्कुल परमिशन है ही नहीं किसी भी तरीके से, क्योंकि कुछ टाइम पहले ना 3-4 साल पहले इसके ऊपर कोई केमिकल से कुछ मतलब चेकअप हुआ, उसके बाद ना ये पूरा त्रिशूल जो तांबे का था ना लोहे का बन गया, तब से इस त्रिशूल को ना छूना बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया गया। अब आप सोच सकते हैं कि इस तरीके से कि एक समय पहले इस त्रिशूल को ना भोलेनाथ के इस त्रिशूल को दो हाथों से भी कोई नहीं हिला सकता है, लेकिन अपनी सिर्फ एक उंगली के माध्यम से ना ये पूरा त्रिशूल कंपन करने लगता है। तो यही लीला है भैया महादेव की। तो भैया देखो आपके रोहित पहाड़ी पहुंचे गोपीनाथ मंदिर, और आपके रोहित पहाड़ी को प्यार करने वाले गोपेश्वर के सारे लोग यहां पहुंच चुके हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इतना प्यार, इतना सारा सम्मान ना, ये सब इन लोगों की वजह से आपके रोहित पहाड़ी को मिलता है। अगर यही नहीं देखे ना तो आपके रोहित पहाड़ी को कौन जानता है, ठीक है? और ये भाई से
तो भैया जी फाइनली आपका गोपेश्वर के तुंगनाथ महादेव के दर्शन भी मैंने आपको करा दिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भैया अगर आप गोपेश्वर आओगे तो गोपीनाथ मंदिर के दर्शन जरूर कराना और जरूर बताना उस चमत्कारिक त्रिशूल के बारे में जो कील की वर्षा में यहाँ पर आया था, जिसमें ऐसा बोला जाता है कि आपका कामदेव का उससे वध किया था और ये बिल्कुल मेरे ठीक पीछे वही मंदिर है। तो आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। और बाकी क्या कहते हैं, इस ब्लॉग को हम एम करते हैं 5 से 10 हज़ार लाइक के लिए और 2 से 3 हज़ार कमेंट के लिए, बाकी आपके रोहित पहाड़ी। तो भैया अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। तो आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। और ऐसी ही उत्तराखंड की यात्रा में बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल रोहित पहाड़ी को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही प्यार देते रहो, फटाफट से 1 मिलियन कंप्लीट करो। फिर मिलते हैं धमाके के साथ, ठीक है। हर हर महादेव।